बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो मेरे फैशन डिजाइनर्स, कैसे हैं? इस वीडियो में कुर्ती के दामन का बहुत ही प्यारा और लेटेस्ट डिजाइन बताएंगे। अगर आपकी कुर्ती ऊंची है या आपकी कुर्ती में कपड़ा कम पड़ रहा है तो इस तरीके से इस कुर्ती को नीचा कर सकते हैं। कुर्ती की लेंथ बढ़ा सकते हैं। कुर्ती के फ्रंट वाले पीस पर हम डिजाइन बनाकर बताएंगे। बैक वाले पीस पर भी हमें ऐसे ही डिजाइन बनाना है। ये हमने एक पीस लिया है जिस पर हमने मार्क लगा लिए हैं। देख सकते हैं इस पीस की जो चौड़ाई है वो दामन से 1 इंच बढ़ती हमें लेना है। 1 इंच बढ़ती हमें इसलिए लेना है डिजाइन बनने के बाद पीस हमारा ये छोटा ना पड़े। देख सकते हैं इस वाले पीस की जो चौड़ाई है कुर्ती के दामन से 1 इंच बढ़ती ली है। इस वाले पीस की लंबाई 14 इंच ली है। ये जो निशान लगाए हैं वो 1 इंच की दूरी पे लगाए हैं। देख सकते हैं ये 1 इंच की दूरी पे निशान लगाए हैं। ये सारे ही निशान 1 इंच की दूरी पे लगाए हैं। इस पीस की जो चौड़ाई है वो 25 इंच है और हमारे कुर्ती के दामन की चौड़ाई 24 इंच है। ये जो हमने निशान लगाए हैं इस वाली पीस पर वो हमने उल्टे कपड़े पर लगाए हैं। आप सीधे कपड़े पर लगाएं क्योंकि ये हमारा कपड़ा हल्का है तो आगे की साइड ये निशान आराम से दिख जाएंगे। सबसे पहले हमें दामन फोल्ड करना है इस वाले पीस का। देख सकते हैं ये हमने दामन फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसमें प्लेट डालना है। देख सकते हैं ये वाले निशान हमें सीधे साइड भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ते हुए हमें प्लेट डालना है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाना है। एक सिलाई लगा दी है, अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। दूसरी सिलाई हम एक बूट की लगाएंगे। ये वाली सिलाई भी लगा दी है। अब इस वाले निशान को छोड़ देंगे। दूसरे वाले निशान पे हमें प्लेट डालना है। इस तरीके से प्लेट डालेंगे। सिलाई लगा देंगे। पहले हम ये वाली सिलाई लगाएंगे किनारे वाली, फिर दूसरी सिलाई हम एक बूट की लगा देंगे, फिर हमारी दूसरी प्लेट भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही हमें सारी प्लेटें डाल लेना है। अब एक बूट वाली सिलाई लगाएंगे। ये डिजाइन यकीन मानिए पहनकर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कितनी कुर्ती की लंबाई लेना है और कितना ये वाला पीस लेना है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे नाप के हिसाब से हमें कुर्ती की तैयार लंबाई 45 इंच चाहिए है। तो मैंने 39.5 इंच कुर्ती की कटिंग की थी और ये वाला पीस आपने देखा ही 14 इंच का लिया है मैंने। तैयार होने के बाद ये वाला पीस 8.5 इंच का रह जाएगा और आधा इंच जो हम कुर्ती में ज्वाइंट करेंगे इस वाले पीस को उसमें चला जाएगा तो 8 इंच रह जाएगा। कुर्ती जो हमने कटिंग की है वो हमने 39.5 इंच उसकी लंबाई ली है तो उसका भी जो आधा इंच का मार्जिन है वो ये वाला पीस ज्वाइंट करने में चला जाएगा। हमारी कुर्ती की तैयार लंबाई 45 इंच आ जाएगी। अब इतनी प्लेट डल गई हैं। अब ये वाली आखिरी प्लेट हम डाल रहे हैं।
इसी तरीके से हमें ये वाली प्लेट भी डालना है जैसे हमने सारी प्लेटें डाली हैं। ये दामन का सीधा कपड़ा है और ये उल्टा कपड़ा है। ये हमने कुर्ती वाला पीस लिया है, ये कुर्ती का सीधा कपड़ा है और ये वाला पीस भी साइड से सीधा है। एक बार और समझा देती हूँ, ये सीधा कपड़ा है और ये भी सीधा कपड़ा है। इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देना है। हाफ इंच कपड़ा लेते हुए सिलाई लगाना है, सिलाई हमें बिल्कुल सीधी लगाना है। देख सकते हैं ये सिलाई लग गई है कुर्ती वाले पीस में, दामन वाले पीस को हमने अटैच कर दिया है। यहीं से हमने जॉइन लगाया है, इस पर भी हमें एक प्लेट डालना है। इस तरीके से हमें प्लेट डालना है, जॉइंट बाहर की साइड नजर नहीं आना चाहिए और इन प्लेटों का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जैसे हमने सारी प्लेटों पर सिलाई लगाई है किनारे वाली, वैसे ही हमें इस पर भी सिलाई लगाना है। अब हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे। अब ये जो कपड़ा थोड़ा बढ़ती दिख रहा है, पहले इसको सीधा कर लेंगे, फिर इस कपड़े को कट कर लेंगे। देख सकते हैं ये डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है, कोई देखकर बता ही नहीं सकता हमने कुर्ती में जोड़ लगाया है। पहनने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। साइडों से इसके चाक फोल्ड कर देंगे। चाक फोल्ड कर दिए हैं, फाइनल लुक इसका देख सकते हैं।